राज कुंद्रा, आजकल सारे देश में ये नाम गूंज रहा है। पहले तो ये सिर्फ शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन से जाने जाते थे, पर आजकल पोर्नोग्राफी कंटेंट के लिए भी जाने जाते हैं। बड़े फेमस हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तुम्हें पता है इनकी नेटवर्थ क्या है? 4,000 करोड़। लेकिन फिर भी ये आदमी ऐसे कामों में पकड़ा गया। वैसे तो ये केस हमारी नजरों में तभी आया जब राज कुंद्रा अरेस्ट हुए थे, जबकि ये फरवरी से ही ये केस चल रहा था। यही होता है, एक बड़े नाम का खुलासा और सारी मीडिया टेंशन, लोगों का टेंशन केस पर आ जाता है। तो उस वक्त फरवरी में कुछ अरेस्ट किए गए थे पोर्नोग्राफी कंटेंट क्रिएशन को लेकर, जो कि मुंबई के मड आइलैंड के कुछ बंगलोज में शूट किए जा रहे थे। यही वीडियो हॉट शॉट नाम की एक ऐप पर अवेलेबल किए जा रहे थे। अब ये ऐप दो कंपनीज द्वारा रेगुलेट और कंट्रोल किया जा रहा था, वियान इंडस्ट्री और कैनरिन लिमिटेड, जिसमें ऐसे वियान इंडस्ट्री राज कुंद्रा की है और कैनरिन लिमिटेड के डायरेक्टर राज कुंद्रा के ब्रदर इन लॉ है। हिंदी में कहें तो राज कुंद्रा के जीजाजी प्रदीप बख्शी है। और यहीं पे बड़ी ही क्लियर लिंक नजर आती है दोनों के बीच, क्योंकि ये दोनों सिर्फ रिलेटिव्स ही नहीं है बल्कि एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। पूरा खानदान पागल है। तो राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्री द्वारा यहां से कंटेंट सप्लाई होता था और कैनरिन लिमिटेड हॉटशॉट ऐप को डेवलप, मेंटेन और ज्यादातर कंट्रोल करती थी। इसी को लेकर 11 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें राज कुंद्रा सबसे आखिर में अरेस्ट हुए। पर राज कुंद्रा ने यह स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने ये कंपनी 2019 में ही बेच दी थी। राज कुंद्रा के अरेस्ट के बाद कुछ मॉडल्स भी सामने आए जिन्होंने ये कहा कि उन्हें फोर्सफुली इसमें काम करने के लिए कहा गया था और मना करने पर उनके फोन नंबर्स लीक किए गए थे। उन्हें परेशान भी किया गया था, यहां तक कि थ्रेट कॉल्स भी आने लगे। भाई पढ़ाई कांड हुआ नहीं तो। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये सब तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आ सकता है, पर ये मेन बात ये थी कि इसमें एस्पायरिंग मॉडल्स को फंसाया जाता था फिल्म इंडस्ट्री के नाम पर और फिर फोर्सफुली काम कराया जाता था। मॉडल्स एक्ट्रेस को वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म्स को रोल के लिए बोल्ड सीन के नाम पर न्यूड और सेमी न्यूड शूट कराए जाते थे। जबकि शिल्पा शेट्टी ने कहा कि ऐप का कंटेंट इरोटिका है, जो कि पोर्न से काफी अलग है और आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में भी सिमिलर कंटेंट होते हैं। कुछ दिन पहले उनके लॉयर ने भी कोर्ट में डिफेंड करते हुए कहा कि ओनली एक्चुअल इंटरकोर्स इज पोर्न, रेस्ट एवरीथिंग टर्म एज वल्गर कंटेंट, और ऐप पर भी वल्गर कंटेंट है, पोर्न नहीं। बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें, बंद करो। इस केस में ना शब्दों के साथ बड़ा खेला जा रहा है, पोर्न, सॉफ्ट पोर्न, वल्गर कंटेंट, इरोटिक कंटेंट। तो क्वेश्चन आता है कि इन सब में क्या डिफरेंस है। देखो, अब पोर्न के बारे में तो ज्यादातर सबको ही पता है कि बैन है इंडिया में, पर यह भी सच है कि जो वल्गर और एरोटिक कंटेंट होता है वो आजकल कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के वेब शोज में मिल जाता है और कई फिल्म्स में भी पाया जाता है। कुछ वेब शोज बड़े फेमस भी हैं और कुछ लोग तो देखते ही ऐसे कंटेंट के लिए, क्योंकि इंडिया में तो पोर्न बैन है 2018 से, सीरियसली। वो अलग बात है कि अगर आप सर्च करोगे तो आपको सारी पोर्न मिल जाएगी, लेकिन इंडिया में पोर्न बैन है। अरे भैया आगे बढ़ ले। अगर आपको सॉफ्ट पोर्न, इरोटिक पोर्न, कैसा भी पोर्न चाहिए तो आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट, यू विल गेट। सो इंडिया में ऑफिशियली पोर्न बैन है, लेकिन यू नो, देश मेरा रंगरेजी ये बाबू। गाता बहुत ही बेसुरा है, लड़का अच्छा है। अब क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने पोर्न बैन क्यों किया। उनके मेन रीजंस ये हैं कि इसे सेक्स क्राइम को इनकरेजमेंट मिलती है, लोग ऐसे कंटेंट को देखने के बाद क्राइम करते हैं। इसके पीछे की स्टोरी ये भी है कि देहरादून में एक 10th में पढ़ने वाली लड़की का रेप किया गया था उसी के 4 सीनियर्स के द्वारा, और अक्यूज ने यही रीजन दिया कि उन्होंने ये काम पोर्नोग्राफी कंटेंट देखने के बाद किया, इसलिए तब 827 वेबसाइट्स को बैन कर दिया गया था। तो क्या इंडिया ने पोर्न देखना बंद कर दिया? खैर, इसका जवाब तो आप अपने आप से पूछ लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं 2018 की पोर्न इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी पोर्न हब के 2018 एनुअल रिपोर्ट रिव्यू में इंडिया 3rd रैंक पर आता है पोर्न ट्रैफिक में, ओनली बिहाइंड यूएस एंड यूके। और इस लिस्ट में टॉप 20 कंट्रीज ही 80% टोटल डेली ट्रैफिक के जिम्मेदार थे। इसमें से इंडिया 30% ट्रैफिक कंप्राइजेज ऑफ वुमन, वेयर एज ग्लोबली इट वॉज 29%। तो ये कहना भी गलत होगा कि सिर्फ मर्द ही पोर्न देखते हैं इंडिया में। उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इंडिया में सबसे ज्यादा सर्च इंडियन या हिंदी या देसी रिलेटेड ही किया गया है, यानी कि इंडियन ज्यादातर देखना भी इंडियंस को ही पसंद करते हैं। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना भाई, इसीलिए तो ऐसे हॉट शॉट जैसे ऐप चलते हैं, क्योंकि हमें तो भाई साहब कॉन्टेंट भी इंडियन ही चाहिए।
देखो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इंडियंस में 44% व्यूअर्स 18 to 24 के थे, 41% व्यूअर्स 25 to 34 के थे और एवरेज इंडियन व्यूअर्स की एज सिर्फ 29 ही थी, जबकि पॉर्नहब की ग्लोबली एवरेज एज थी 35.5 इयर्स। तो इंडिया में ज्यादा कंटेंट भी यंग जनरेशन ही देखती है। पर चलो ये डाटा तो सब बैन होने के पहले की बात है। वैसे 2018 में पोर्न बैन के बाद नेक्स्ट ईयर इंडिया की रैंक थर्ड से गिरकर सीधे 15 पोजीशन पर आ गई, पर वहीं वीपीएन डाउनलोड्स एक ही साल में 405% बढ़ गए और पिछले साल लॉकडाउन के वक्त तो 95% व्यूअरशिप बढ़ चुकी है। तो अब बड़ा क्वेश्चन आता है, जब हमारी इतनी पॉपुलेशन पोर्न देखती है फीमेल मेल सब मिला के, तो क्या इंडिया में पोर्न लीगल होना चाहिए? अब ये तो हर किसी के सोच पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोग सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग डिनाई करेंगे। पर मेन बात तो ये है कि फोर्सफुल इन्वॉल्वमेंट से जो भी हो वो तो गलत है और इलीगल दोनों ही है। फिर चाहे वो फोर्सफुली किसी को ऐसा कंटेंट दिखाना ही क्यों ना हो, पर कुछ लोग मानते हैं कि एटलीस्ट लीगल करने से क्राइम्स कम हो सकते हैं और सिर्फ पोर्न ही नहीं बल्कि प्रोस्टिट्यूशन को भी लीगल कर देना चाहिए। प्रोस्टिट्यूशन के बारे में हमने डिटेल में एनालिसिस किए, जिसमें हमने डिस्कशन किया कि प्रोस्टिट्यूशन को लीगल क्यों नहीं करना चाहिए, लीगल करना चाहिए तो क्या रीजंस हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं उसके बारे में जानने के लिए। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, हस्ता ला विस्ता।